प्रज्वल रेवन्ना एक ऐसा नाम है जिसने जो किया इसकी छींटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पड़ गए। पीएम मोदी ने चाव से रेवन्ना के लिए वोट मांगा था, कहा था रेवन्ना को वोट देने का मतलब आप मुझे वोट दे रहे हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। अब पीएम मोदी ने जिस तरह रेवन्ना को आशीर्वाद दिया उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो इधर कांग्रेस कागज को हाथ में लेकर बीजेपी से कान पकड़कर उठक बैठक कराने में लग गई है। बीजेपी सब कुछ जानती थी और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे, सब कुछ जानने के बावजूद भी। और अब मैं आगे की बात करूं, जब ये खबर सामने आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू, झूठ बोलना शुरू किया। एज यूजुअल दे रिजॉर्टेड टू लाइज एंड वन ऑफ द बिग लाइज वाज दैट द ड्राइवर हैड शेयर्ड द डिटेल्स विद कांग्रेस लीडरशिप। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट लाइज। द ड्राइवर इज नाउ ऑन रिकॉर्ड, द ड्राइवर इज नाउ ऑन कैमरा टू से ही हैज नॉट शेयर्ड एनी एविडेंस, एनी पेन ड्राइव विद एनी कांग्रेस लीडर। ही हैज ओनली शेयर्ड ऑल ऑफ दिस with BJP leader. He has shared it with Devaraj Gowda, he has shared it with the others, he has not shared it with the Congress. So, jis baat par BJP ko kaan pakad kar is desh ki mahilaon se maafi maangni chahiye, us baat par aap jhoot bol rahe hain. PM Modi se chook to ho gayi, bahut badi chook. Unke liye vote maang liye, jinhone na sirf apni balki apne dada ki siyasi pratishtha ka satyanash kar diya. वैसे देश के 8 ऐसे सेक्स स्कैंडल हुए जिसने काफी सुर्खियां बटोरी, उन सेक्स स्कैंडल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रेवन्ना के महापाप के बारे में जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी। आज एक बहुत ही बड़े सियासी परिवार की बात होगी जिसने प्रधानमंत्री दिया, मुख्यमंत्री दिए, उसी परिवार में एक सफेद पोश बाप बेटे की जोड़ी की एक नहीं ढेरों अनगिनत मासूम और निहायती बेबस लड़कियां और 3000 अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव की। कर्नाटक की सियासत में इस नई शर्मनाक कहानी ने इन दिनों भूचाल ला दिया है। कर्नाटक की ये शर्मनाक कहानी दिमाग को हिलाकर रख देने वाली है। ये मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पे खुद देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना है। उन पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल है। हालांकि इन लड़कियों की तादाद कितनी है अब तक साफ नहीं है। अभी तक करीब 3000 अश्लील वीडियोस सामने आ चुके हैं। मामला चूंकि संवेदनशील है, सामने आते ही सबकी नजरों पर ये मामला चढ़ गया। वहीं कर्नाटक सरकार ने SIT बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, सेक्स स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जर्मनी में है। अब सवाल ये है कि इस चुनावी मौसम में आखिर इस महासेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पहली बार देवगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार के चलते इस काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियो बनाने के पीछे दोनों का क्या मकसद था? इन सवालों के जरिए इस पूरी शर्मनाक कहानी को समझने के लिए चलिए पीछे की ओर चलते हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले 20 अप्रैल को चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था।
देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने थे। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। इसी बीच हासन से एनडीए के पार्टनर, जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे, फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए और रेवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद वोट भी मांगते नजर आए, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुके थे, लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। इसी बीच रेवन्ना परिवार में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस एफआईआर में महिला ने क्या कहा उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए आखिर बंद कमरे में चलता ये शर्मनाक खेल सामने कैसे आया। दरअसल रेवन्ना परिवार का एक पुराना ड्राइवर हुआ करता था, उसका नाम कार्तिक गौड़ा था। कार्तिक ने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे रेवन्ना से उनके रिश्ते खराब होने लगे। कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी। उसकी माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन को हड़प लिया था और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। वो अपने साथ हुई जाति के खिलाफ इंसाफ चाहता था, क्योंकि उसे रेवन्ना परिवार के काली करतूतों की खबर थी। उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया। इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वल ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी और कहा था कि वीडियो के सहारे उनकी छवि खराब की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियो या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि मीडिया को भी ऐसा ना करने पर पाबंद कर दिया। क्योंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब उन्होंने उसको भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले ली, जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। महीने भर बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे इंतजार करने की बात कही। इसके बाद कार्तिक ने उनसे इन वीडियोस की कॉपी वापस मांगी और तब देवराज ने कहा कि वो इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। वो एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत ना सही इस तरह से ही सही, उन्हें इंसाफ मिलेगा। कार्तिक का कहना है इसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। उधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहें, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा कि उसने उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दी है। हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज का ये दावा सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय खुद देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी। उसका कहना है कि चूंकि कांग्रेस नेताओं के रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसे शक था कि पता नहीं इस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं उल्टा उसी पर कोई मुकदमा ना हो जाए, लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखा दे दिया। बहरहाल अब SIT SD रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के करतूतों की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो FIR रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है उसमें कई दहलाने वाली बातें लिखी हैं। ये FIR रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज करवाई है जो उनकी पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसने अपनी शिकायत में बताया
कि जब उससे रवेन्या परिवार में रसोइये के तौर पर काम करने की शुरुआत की, उसके 4 महीने बाद उसका शारीरिक शोषण शुरू हो गया। पलजवल रवेन्या उसकी बेटी को कॉल कर उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने बताया कि साल 2019 में जब रवेन्या परिवार के बेटे सूरज की शादी थी, तब उसे काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद से जब जब मौका मिलता, रवेन्या उसे अपने कमरे में अकेले बुलाया करता था। उस परिवार में 6 महिलाएं और काम करती थी, सभी की सभी डरी होती थी। खासकर पलजवल रवेन्या के घर पर आने पर महिला सहम जाती थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले कुछ पुरुष कर्मचारियों ने भी उन्हें सावधान रहने को कहा था। इस तरह सभी डरे सहमे अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। पीड़ित महिला ने भी यह आरोप लगाया कि रवेन्या की पत्नी जब घर पर नहीं होती थी, तो वो उसे स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत किया करता था, उसका यौन शोषण करता था। कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रवेन्या ने उसके साथ जाती की थी। जबकि पलजवल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर उससे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल महिला के बयान पर पुलिस स्टेशन पर पिता पुत्र यानी एसडी रवेन्या और पलजवल रवेन्या दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354A यानी यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातें या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी नेता का सेक्स स्कैंडल सामने आया है। आइए जानते हैं वो 8 प्रमुख चेहरे जिन पर लग चुके हैं ऐसे आरोप। एनडी तिवारी मिले थे आपत्तिजनक स्थिति में। कांग्रेस के नेता और उस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे एनडी तिवारी सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक स्थानीय टीवी चैनल ने जो फुटेज दिखाया था, उसमें तिवारी को 3 महिलाओं के साथ बिस्तर पर लेटा दिखाया था। संजय जोशी भी फंस चुके हैं सेक्स स्कैंडल में। सेक्स सीडी स्कैंडल में बीजेपी नेता संजय जोशी का भी नाम सामने आया था। 2005 के इस मामले में वह महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। कांग्रेस नेता मनु सिंघवी का भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के सेक्स वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया था। हालांकि सवालों के घेरे में आने के बाद उस वीडियो को हटा लिया गया था। संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी सामने आई। केजरीवाल सरकार को अपने एक विधायक की वजह से सवालों के घेरे में आना पड़ा। केजरीवाल सरकार के मंत्री रहे संदीप कुमार की सीडी सामने आई, जिसमें वे आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। राघव जी पर नौकर के साथ यौन संबंध बनाने का लगा आरोप। बीजेपी के पूर्व नेता राघव जी अपने नौकर के साथ अपरकथित यौन संबंध बनाने की वजह से खबरों में आए थे। इस खबर के फैलने के बाद उन्हें पद के साथ साथ पार्टी से भी निकाल दिया गया। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल की सेक्स सीडी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल की सेक्स सीडी सामने आने से राजनीति में हड़कंप मच गया था। इससे पहले राघव जी भी सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। ऐसे में इस नेता का नाम सामने आने से पार्टी फिर सवालों के घेरे में आ गई थी। कांग्रेस नेता महिपाल मदेड़ना सेक्स स्कैंडल। कांग्रेस नेता महिपाल मदेड़ना भी सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं। उन पर पेशे से नर्स रही भावरी देवी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। खबरों के मुताबिक भावरी देवी के पास ऐसी सीडी थी जिसमें महिपाल आपत्तिजनक स्थिति में थे और भावरी ने उन्हें धमकी दी, करोड़ों रुपए की मांग की थी। बाबूलाल नागर पर लगा यौन शोषण का आरोप। सेक्स स्कैंडल का आरोप राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर भी लगा था। इन पर एक महिला के साथ धोखाधड़ी करने का और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा था। दावा किया जा रहा है रवेन्या की शिकार लड़की और महिलाओं में ज्यादातर वो हैं जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में कुछ एक जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी महकमों में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर स्कैंडल बहुत बड़ा है। ऐसे में सवाल है
इनके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जिस नेतागिरी जमात से रमन्ना आते हैं वहाँ उनकी शर्मनाक करतूतों के बारे में कोई नहीं जानता होगा। फिर भी ऐसे नेता को चुनाव जिताने के लिए एक मंच पे आकर प्रचार करना हैरान करने जैसा है। सवाल तो ये भी उठता है, इतनी आसानी से इस शर्मकांड के आरोपी को देश छोड़ने में कामयाबी कैसे मिली? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।